आप लोगों के लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया वो था आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जिसमें आप लोगों ने अपने डेटा को डिस्क्राइब करना होता है बाय यूजिंग अ सिंगल न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अब ऐसा है कि समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें अपने डेटा के बारे में कुछ इन्फेरेंसेस बताने होते हैं, कुछ अंदाज़ा लगाना होता है। जब अंदाज़ा लगाने की बारी आती है तब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी क्या है बेसिकली? प्रोबेबिलिटी को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास, कल बारिश होगी या नहीं होगी, आप इसके बारे में पता करना चाहते हो, तो आप लोग ऐसा कौन सा टूल यूज करोगे जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये गूगल बहुत वेदर, गूगल वेदर मैम, गूगल वेदर भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो आप लोगों को ये जो चीज बताई 90% जाती कंफर्म है गूगल पर कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए आपको कुछ रेशियो बता दी जाती है। वो इसलिए बताई जाती है कि कुछ अंदाजा लगाया जाता है। आपको पता होता है कि 100% ऐसा तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है 100% तो सिवाय अल्लाह ताला की जात के और कोई भी नहीं जानता। तो ये हमारा सिर्फ अंदाजा होता है। जब हम अंदाजा लगाने की बात करेंगे, ऐसी चीज को मैयर करना चाहेंगे जो हमारे लिए अनसर्टेन है, दैट इज नॉट सर्टेन। एक होती है इंसान के पास चीज सर्टेन, एक होती है अनसर्टेन। सर्टेन चीज क्या होती है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इफ यू डू हार्ड वर्क इन योर एग्जाम्स, तो आप लोग इस चीज पे सर्टन हो गए कि आपके मार्क्स 80 या 90% से अबव होंगे, ठीक है। अनसर्टेन कौन सी चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग मैच खेल रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है कि आप उस मैच में जीतोगे या हारोगे। आप लोग एक एस्टिमेट तो बता सकते हो, एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता दोगे कि अंदाजा लगा लोगे कि हम जीत जाएंगे, इट इज योर कॉन्फिडेंस। लेकिन कॉन्फिडेंस की अनसर्टेनिटी को मैयर कैसे किया जा सकता है, ये हम लोग इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम लोग क्या मैयर करने जा रहे हैं। इट इज द मैयर ऑफ द अनसर्टेन थिंग्स। जब हमें कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन अनसर्टेन चीजों की हम लोग मेयरमेंट करते हैं। और मेयरमेंट टूल कौन सा है, वो स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी है, जिसने आपके अनसर्टेन चीजों को मेयर करने का तरीका बताया है। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इनफैक्ट आपकी लाइफ में सारी चीजें ही अनसर्टेन होती हैं, क्योंकि सर्टेन तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, बाकी सब चीजें आप लोगों के लिए अनसर्टेन है। आप जीतोगे या हारोगे, आप लोग किसी से आगे निकलोगे या पीछे रह जाओगे, आप लोगों का CGPA क्या आने वाला है। सो ऐसी सारी चीजें जो एज अ स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द हैं, आपसे रिलेटेड हैं, आप उनको मैयर करना चाहते हो फॉर योर सम काइंड ऑफ सर्टेनिटी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से मैयर करते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ आइडिया लगा लेते हैं 80% 90%, और वैसा आपके साथ हैपन भी होता है। तो वो चीज़ मैयर हम किससे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं। जी आज के लेक्चर में आप लोग क्या मैयर करोगे कि आपकी फील्ड्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी की, और आपकी बेसिक्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी के, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी टर्म्स कौन सी हैं जो हम यूज़ करते हैं, और एक्सरसाइज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, प्रोबेबिलिटी का यूज किन किन फील्ड्स में होता है, इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं। इफ वी ऑलवेज न्यू व्हाट द रिजल्ट ऑफ आवर डिसीजंस वुड बी, अगर हम ये जान जाएं कि हमारे जो हम लोगों ने डिसीजन किया उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो हम लोगों की जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है हमारे डिसीजन का। सो ऐसी चीज को हम मैयर कर सकते हैं अपने एक स्टैटिस्टिकल टूल से जिसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। आवर लाइफ एज डिसीजन मेकर्स वुड बी अलॉट स्ट्रेसफुल, हाउएवर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उतनी स्ट्रेसफुल नहीं होगी अगर हम लोग अपने डिसीजन के बारे में पहले से जान लें कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ 20% चांस ऑफ रेन टुमोरो, यानी कल बारिश होने वाली है, यानी इसके 20% चांस है, तो इसके लिए आप अपनी लाइफ का डिसीजन कर सकते हो। अगर 20% चांस है, इसका मतलब आप अपने किसी काम को डिले ना करें, क्योंकि 20% चांस का मतलब है बहुत कम चांसेस हैं कि कल बारिश होगी। दूसरी बात, बेस्ड ऑन हाउ पुअरली द इंटरव्यू वेंट,
इट इज अनलाइकली आई विल गेट द जॉब. अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, मैयर कर सकते हो कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. सिंस इट इज़ 90 डिग्री आउटसाइड इट इज़ इम्पॉसिबल इट विल स्नो. अगर बाहर आपके टेम्परेचर जो है 90 डिग्रीज है तो ये इम्पॉसिबल बात है कि बर्फबारी होगी. इसके अलावा देयर आर 9 red candies इन अ बैग एंड 1 blue candy इन द सेम बैग. The chances of picking the blue candy are 10%. अगर एक बैग के अंदर आपके 9 red candies हैं और ब्लू कैंडीज हैं तो आपके उस बैग में से 10% चांसेस होंगे कि आप ब्लू कैंडी को पिक करोगे. इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने अंदाजे लगाने होते हैं अनसर्टन चीजों के, तो आप लोग क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाते हो. ये आप लोग इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देखें 5 मिनट अपनी स्क्रीन पर. अगर किसी एग्जाम्पल की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. जस्ट 2 मिनट्स वेट. ओके. आप पूछें जी, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो. मैम ये सेकंड लास्ट समझाते हैं, ड्रावर ऑफ 10 socks ये इसका क्या मतलब है? ड्रावर ऑफ 10 socks, आपके एक ड्रावर में 10 socks हैं, 8 of them येलो, उनमें से 8 जो हैं वो येलो हैं. देयर इज अ 20% चांस ऑफ चूजिंग अ सॉक दैट इज येलो. तो यहाँ पर 20% चांस होंगे कि आप लोग जो है वो येलो सॉक को उठाएंगे या चूज करेंगे. 80% चांस होगा आपका. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. मैम थोड़ा रिपीट कर दें. मैम एक और क्वेश्चन था आपसे. जी जी पूछिए. मैम ये सर्टेन और अनसर्टेन को हम ये सेकंड नेम क्या दे सकते हैं? यानी सर्टेन को अगर हम परफेक्ट कहें और अनसर्टेन को हम अगर इम्परफेक्ट कहें तो ये नेम सही रहेगा? देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट एक दूसरी टर्म्स है. अनसर्टेन और सर्टेन चीजें ये हमारे थॉट से रिलेटेड है. परफेक्ट होना और इम्परफेक्ट होना आपकी स्किल्स पर बेस करता है. सो इन दोनों को सर्टेन चीजों को और अनसर्टेन चीजों को आपकी सोच से रिलेट किया जाता है और परफेक्ट और इम्परफेक्ट चीजों को आपकी स्किल्स पे बेस किया जाता है. मैम थोड़ा रिपीट कर दें, मेरा कनेक्शन लो गया था. मैं पहले से रिपीट कर दें. फिर सुन ले क्लास, प्रोबेबिलिटी क्या होती है. प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसमें आप लोग अनसर्टेन, क्लास अपने माइक्स को म्यूट कर दिया करें जैसे आप लोग क्वेश्चन कर लें, फौरन से अपने माइक को म्यूट कर दिया करें ताकि क्लास में इंटरप्शन ना हो. मैम अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस. ये कौन पूछ रहा अटेंडेंस हो गई है? आपने अटेंडेंस कैसे लगवानी होती है? चैट में अपना रोल नंबर सेंड करके. मैम वो तो कर लिया मैम, मैंने कहा क्या पता क्या होगी दोबारा. नहीं हो चुकी है. ओके क्लास, ऐसा है प्रोबेबिलिटी क्या होती है. फिर सुन ले, जिनका कनेक्शन का प्रॉब्लम था वो दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी एक ऐसी टर्म है, स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अनसर्टेन होती हैं. हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो भी अनसर्टेन होते हैं. हम जब भी लाइफ में कोई डिसीजन करते हैं हमें नहीं पता कि आपके डिसीजन का रिजल्ट क्या आने वाला है. तो उस डिसीजन के बारे में अगर हम कुछ चांसेस जान लें कि अगर 80% चांस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है आपके डिसीजन के बाद, तो आप उस डिसीजन को कॉन्फिडेंटली करोगे. सो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं. हो सकता है कि आप अपनी जो स्टडी कर रहे हैं, आपको जॉब क्या मिलनी है या नहीं मिलनी, आप किसी जॉब को चूज करने जा रहे हो, आप जॉब को चूज करने से पहले अपना माइंड सेट करते हो या प्रोबेबिलिटी निकालते हो आपके नॉलेज की बेस पे या आपके स्किल की बेस पे कि मेरा इंटरव्यू अगर ऐसा है तो इसका मतलब मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो अगर आपके इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो आप कह सकते हो देर आर 90% चांस कि आपको जॉब मिलेगी अगर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी कंडीशंस फेवरेबल रहें और उन कंडीशंस को देखते हुए आप अपने
डिसीजंस को बनाने के लिए अनसर्टेन चीजों को मैयर कर सकते हैं तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, मैं मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी मैयर ही प्रोबेबिलिटी टूल से होती है। अच्छा क्लास, अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक बैकग्राउंड बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये आपका बैकग्राउंड है जी, लॉटरी से स्टार्ट हुआ ये आपका बैकग्राउंड। यानी कि जो लोग आपको पता है गैम्बलर्स होते हैं, ठीक है, वो गैम्बल कर रहे होते हैं अपनी एक गेम में, उनको होता है कि वो गेम जीतेंगे या हारेंगे, उसके लिए उनको अपना डिसीजन करने के लिए एक तरह की मेजरमेंट चाहिए होती है, कुछ सर्टेनिटी पॉइंट उनको रिक्वायर्ड होता है। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली गैम्बलर से ना स्टार्ट हुआ। पहले इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट किया गया कि ये सब्जेक्ट जो है गैम्बलर्स का है, इसको वाइड स्प्रेड नहीं होना चाहिए। फिर जब इस सब्जेक्ट को पॉजिटिव लिया गया तो अंदाजा हुआ कि प्रोबेबिलिटी एक मेजर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको अपने बिजनेस टर्म में और डिफरेंट किस्म के लाइफ डिसीजंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इसका ओरिजिनेट क्या है, एक गैम्बलर्स यानी जुआ खेलने वाले जो होते हैं उनकी तरफ से इसको ओरिजिनेट किया गया, लेकिन बाद में इतना वाइड स्प्रेड हो गया कि अब जो है हमारे सब्जेक्ट की बहुत मेन जरूरत बन चुकी है। हमने अपनी जब बिजनेस में कोई डिसीजन लेना होता है, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है, और भी बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं मेडिकल बेस पर और इसके अलावा हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमी होते हैं। सो जहां जहां पर आप लोगों को प्रेडिक्शन या अनसर्टेन चीजों को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप लोग इस सब्जेक्ट को यूज करोगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, अनसर्टेनिटी को मेजर करना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में यहां तक आपको समझ आ गया। ओके क्लास, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, ये सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी प्रोबेबिलिटी की। यानी कि आपको पता है कि अगर आप लोगों ने एक, यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है, विच साइड्स आर ग्रेटर देन थ्री, आपने एक डाई को रोल किया जिसमें सिक्स आउटकम्स थी और आपने देखना था कि कौन सी आउटकम थ्री से ग्रेटर है, तो ये डेफिनेट था, आपको पता है कि फोर फाइव सिक्स जो है थ्री से ग्रेटर होंगी। तो जो आपकी थ्री आउटकम्स होगी वो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल आउटकम्स जिसके ऊपर डिवाइड करेंगे वो आपके पास सिक्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल। ओके, अब मेन टर्मिनोलॉजीज को हमने लर्न करना है अपनी प्रोबेबिलिटी के बारे में। उसके पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफरेंस कर लें। हम लोग साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके पास एक चीज सर्टेन होती है कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, इस चीज को आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो पानी बनता है। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम सर्टेन है आपके पास। आपको पता है कि अगर आपने ये टूल्स यूज किए यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यूज किया तो डेफिनेटली आपके इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो वाटर आने वाला है। इट इज अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन स्टेटिस्टिक्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस लीडिंग टू एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स विद अनसर्टेनिटी एज टू विच विल अकर। यानी यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा आउटकम होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। अगर इससे कम आउटकम होगा तो डेफिनेटली हम लोग सर्टेन होंगे, लेकिन हम लोग मेजर कर रहे हैं अनसर्टेनिटी को तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम यूज करेंगे। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि आपके पास आउटकम हमेशा एटलीस्ट टू पॉसिबल होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा आपकी आउटकम्स होनी चाहिए विद अनसर्टेनिटी, और आपको अनसर्टेन होगा कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम वेरीज इन एन अनप्रेडिक्टेबल फैशन When the experiment is repeated under the same conditions, यानी कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को जितनी दफा मर्जी रिपीट करेंगे हर दफा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप अनसर्टेन हो, आपको नहीं पता होता कि जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन को छाला यानी एक कॉइन को टॉस किया,
ठीक है, टॉस करने के बाद जैसे मैचेस में होता है, जब भी गेम स्टार्ट होनी मैच में आप लोगों ने देखना होता है कि कौन सी टीम ने पहले मैच को खेलना है, तो आप एक कॉइन को टॉस करते हो। तो कॉइन को टॉस करने के बाद आपको नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ये पता है कि पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टू पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन कॉइन को छालने के बाद जब वो जमीन पर गिरेगा उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में हम लोग अनसर्टेन है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होता है कि जिसको जितनी दफा मर्जी, अगर आपकी कंडीशन सेम रहे, जितनी दफा मर्जी इसको रिपीट करो, आपका रिजल्ट क्या आने वाला है इसके बारे में तो हम अनसर्टेन होते हैं। और दूसरी बात, वो डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ट्रायल में आपके पास हेड आ जाए, हो सकता है सेकेंड ट्रायल में टेल आ जाए आपके पास, हो सकता है थर्ड ट्रायल में फिर दोबारा हेड आ जाए। सो ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जबकि एक्सपेरिमेंट में हम जब भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, हमें पता है वाटर ही बनने वाला है। सो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में यही डिफरेंस है। स्टेटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है। अब यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो पूछ सकता है। गॉट इट? Yes, ma'am. Next है जी, आप लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे स्टैटिस्टिक्स में, तो आप लोगों की जो पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको कहा जाएगा सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हमेशा सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी आपने उसको नाम देना है सैंपल स्पेस का। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, यानी आपने एक डाई को रोल किया, लूडो का दाना जो होता है उसको रोल किया, उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस क्या होगी? सिक्स मैम। वेरी गुड, सो आपको सैंपल स्पेस की समझ आ गई। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाते हैं इसके स्टेप्स देख लें, क्योंकि सबसे मेन स्टेप होता है हमने सैंपल स्पेस पहले बनानी होती है, देन हम प्रोबेबिलिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। सैंपल स्पेस मेन क्यों है, क्योंकि आपको मैंने पीछे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल आउटकम्स को निकालना पहले बहुत जरूरी है। तो आपके पास स्टेप वन क्या है जिससे आप सैंपल स्पेस क्रिएट करते हो, आइडेंटिफाई द रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले अपना क्या है, देन स्टेप टू आपके पास क्या है, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन अ सेट, तमाम पॉसिबल आउटकम्स को जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसको सेट के अंदर लिख देना, आपके पास सैंपल स्पेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वन डाई इज रोल्ड, अगर एक डाई को रोल किया जाता है तो आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आपको पता है कि आपके एक डाई की 6 साइड्स होती हैं और 6 नंबर होते हैं, तो इन 6 नंबर्स को इस तरह करली ब्रैकेट में लिखकर एस के साथ शो करना आपके पास बेसिकली क्या होता है, सैंपल स्पेस। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगी, हेड और टेल, टू पॉसिबल आउटकम्स। थर्ड वन क्या है, व्हेन टू कॉइंस आर टॉस, अगर दो कॉइन को टॉस किया जाता है तब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि प्रीवियस आपके पास एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल थी, यानी वन डाई को रोल किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट था आपके पास, उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या होगी, सिक्स नंबर्स। Then a coin is tossed, एक coin को toss किया गया, आपके पास all possible outcomes क्या होगी, head और tail, ठीक है। लेकिन जब आप लोग third one example को देखें, when two coins are tossed, जब दो coin को toss किया जाएगा तो all possible outcomes क्या बनेगी, अब first आपके पास क्या है, एक coin की जो है वो आपके पास head और tail outcomes, यानी two outcomes हैं, और दूसरे coin की भी आपके पास two outcomes हैं, head और tail, दोनों को multiply करें तो आपके पास क्या answer आता है, इसका मतलब क्या है कि आपके इस एक्सपेरिमेंट की जिसमें टू कॉइन्स को टॉस किया गया है, आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स फोर होंगे, यानी टू क्रॉस टू, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनाई है मैंने, फर्स्ट वन हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में आपके पास हेड हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट वन में हेड हो दूसरे कॉइन में टेल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट कॉइन में टेल हो सेकंड कॉइन में आपके पास हेड आ जाए,
देन दोनों कॉइंस में टेल भी आ सकते हैं. अब ये तो आप लोगों ने रफली इसका अंदाजा लगा लिया. काइंडली अपने माइक ऑफ करें. ओके, दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. तो बहुत ही सिंपल था, आपको अंदाजा हो गया कि दो इसकी आउटकम्स थी, दो दूसरे कॉइन की आउटकम्स थी. टू क्रॉस टू किया, पॉसिबल आउटकम्स आपके पास फोर हो गई. तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरह जब आपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनानी होती हैं, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम. प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम के जरिए भी हम लोग कॉइन्स को टॉस कर सकते हैं, सॉरी हम लोग अपने ऑल पॉसिबल सैंपल स्पेस को निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, आप लोगों ने लिखा आपके पास दो पॉइंट्स थे, एक कॉइन के हेड और टेल. आपने क्या करना है, इस तरह से एरो लगाकर हेड के साथ दो पॉइंट्स लिखने हैं, देन टेल के साथ दो पॉइंट्स लिखने हैं. फिर इनको मिलाकर आप लोगों ने इसका रिजल्ट बना लेना है. यानी फर्स्ट ट्रायल आपका हेड और टेल था, सेकंड ट्रायल में आपकी ये ऑल पॉसिबल जो भी इसके साथ आप लोग मिला के लिख सकते हो. यानी हेड के साथ हेड भी आ सकता है, हेड के साथ टेल भी आ सकता है. जितनी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं आप लोग सेकंड ट्रायल में लिख दोगे. फर्स्ट ट्रायल हेड एंड टेल, सेकंड ट्रायल में आपके पास डबल हो जाएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल थर्ड ट्रायल होता तो हर एरो के साथ थ्री थ्री आपके पास जो है रिस्पॉन्सिस, सॉरी थ्री आपके पास रिस्पॉन्सिस हो जाते हर हेड के साथ और टेल के साथ. सो ये आप लोग ट्रायल वाइज जो है इसको याद रखें ट्री डायग्राम में. डायग्राम बनानी जरूरी है, डायग्राम आप लोग यहाँ तक तो आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सैंपल स्पेस है. जब आप लोग दूसरे अपने बिजनेस लेवल के क्वेश्चन करने जाओगे जैसे आपकी बुक में है, वहां पे आप लोगों को आसानी हो जाएगी इस ट्री डायग्राम के जरिए अपने सैंपल स्पेस को निकालना. देख सकते हैं आप लोगों ने इस ट्री डायग्राम के जरिए अपने ऑल पॉसिबल आउटकम्स को लिखा, हेड 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 टेल, देन टेल हेड टेल टेल. इस ट्री डायग्राम की आपको समझ आई? यस मैम. ओके नेक्स्ट. अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोग ऐसा करें, रजिस्टर्स पकड़ें अपने और पेन्स अपने हाथ में पकड़ें. मुझे फोर वन फोर्थ एग्जांपल की जरा सैंपल स्पेस का आउटपुट बताएं व्हेन टू डाइस आर रोल्ड. 36 आएगा मैम. गुड, 36. ओके 36 तो होगा, लेकिन आपकी आउटकम्स किस फेज में होंगी, जरा मुझे कुछ स्टार्ट के पॉइंट बता दें उस आउटकम्स के. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 भी आ सकता है. मैं बताता हूँ मैम, वन के साथ वन वन होगा, वन टू होगा, वन थ्री, वन फोर, वन टू सिक्स होगा मैम. फिर टू वन होगा, टू टू होगा, टू थ्री होगा, टू फोर, टू टू सिक्स होगा मैम. फिर थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, ऐसे मैम करते हैं 6 तक हम. वेरी गुड. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हेन 3 कॉइंस आर टोस्ट. 8. अब आपकी आउटकम्स क्या होंगी? 8 मैम. ओके 8 मैम. ये मैं आपको जी जी बताएं. 5 टाइम्स हेड आएगा, फिर हेड, फिर 4 4 हेड, फिर 1 4 हेड, फिर 1 टेल. फिर 3 हेड 2 टेल्स, 2 हेड 3 टेल्स, इस तरह करके मैम फिर आ जाएगा एंड तक. फिर आप मुझे स्टार्ट के 3 आउटकम्स बताओ बस. 5 हेड्स, 3 4 हेड्स. हम लोग 3 टाइम मैम हेड 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 टेल से किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया मुझे. गर्ल्स आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें क्लास में. ओके जी नेक्स्ट, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, इसकी आउटकम मुझे कौन बताएगा? 52 स्टैंडर्ड 52. जी जी 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. अब मुझे बता दे 52 प्लेइंग कार्ड्स की आपकी हाईलाइट की क्या होती है, यानी कितने सूट्स होते हैं एक आपके डेक में? 4 मैम.
फोर सूट्स होते हैं. ओके, टू सूट्स किस कलर के होते हैं? रेड रेड एंड ब्लैक. ओके, अब नेम बता दें रेड के. रेड टू सूट्स के नेम बता दें मुझे. डायमंड एंड हर्ट्स. डायमंड एंड हर्ट्स. और ब्लैक के? जी राना अमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. आप लोगों को ऑल पॉसिबल आउटकम्स का पता चल गया, सैंपल स्पेस हम लोगों ने कैसे बनानी होती है. नेक्स्ट है आप लोगों के पास इवेंट क्या होता है, यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं. इवेंट की पहले डेफिनेशन में पढ़ती हूँ. एंड इवेंट इज जी मैम, ये कार्ड्स वाला मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा समझा देंगे प्लीज? ओके, कार्ड्स की ऐसे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं देख लें. आर डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स आपके पास होते हैं. हर आपके जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें 4 सूट्स होते हैं आपके पास. ठीक है, ये आप लिख लो, नोट कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. मैं इसको कंप्लीट जो है आपको डिफाइन कर देती हूँ और पेज के ऊपर लिख रही हूँ साथ साथ में. मैं आपको पेज भी सेंड कर दूंगी. कोशिश करें आप लोग भी जो है इसको साथ साथ में लिखते जाएं जो मैं बता रही हूँ. ओके क्लास, आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. मैम आपकी आवाज कट रही है. 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. वॉइस ठीक आ रही है? यस मैम. ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं क्लास. इसमें आपके पास 4 सूट्स होते हैं. पहले 4 सूट लिखने से पहले 2 एरो लगाएं नीचे की तरफ और लिखें रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स. रेड कार्ड्स के नीचे उसकी तादाद लिखें, कितनी होंगे? 26 एंड 26. रेड कार्ड्स भी 26 होंगे और ब्लैक कार्ड्स भी 26 होंगे. जी अब व्हाइट बोर्ड शेयर कर दें. व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं ना होता, अब यहाँ पे ऑप्शन खत्म हो गई है. काउंट कर लें, टोटल 52 बन जाएंगे. ठीक है, अब मैम आवाज नहीं आ रही. नेट का मसला यार आपको. रेड कार्ड के नीचे 2 एरो लगाएं, ब्लैक कार्ड्स के नीचे 2 एरो लगाएं. रेड कार्ड में लिखे डायमंड्स एंड हार्ट्स. ब्लैक कार्ड्स में लिखे क्लब एंड स्पेड्स. क्लब एंड मीम स्पेड, एस पी ए डी ई स्पेड. डायमंड्स आपके पास टोटल कितने कार्ड होंगे? 13. हर्ट कार्ड कितने होंगे? 13. इसी तरह से आप लोग ऐसा करें, जो भी काम कर रहे हैं अपने माइक्स को ऑफ करके करें ताकि सिर्फ मेरी वॉइस आए आप लोगों को. डायमंड कार्ड 13 है, हार्ट कार्ड 13 है, इसी तरह क्लब भी 13 कार्ड होते हैं और स्पेड भी 13 कार्ड होते हैं. ठीक है, अब मैं सिर्फ एक डायमंड कार्ड की आप लोगों को हायरार्की बताती हूँ क्या होगी. डायमंड कार्ड सबसे पहले होता है एस, ए सी ई एस. देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन टेन, यानी एस से लेके टेन तक 10 कार्ड होते हैं एक आपके सूट में. देन फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन, जैक. यस, एक सूट में इस तरह से आपके पास 13 कार्ड्स हो गए, यानी एस से लेकर 10 नंबर्स, 1 से लेकर 10 नंबर्स के कार्ड, और 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी किंग, क्वीन, जैक. इसी तरह से हर सूट में आपके पास ये कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, यानी एस से लेकर 10 नंबर्स, देन किंग, क्वीन, जैक, हर सूट का. इस तरह से आपके पास 52 डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. एनी क्वेश्चन? मैम वो जोकर का क्या होगा? उसको जैक बोला बच्चे. जैक उसका क्या करना है? क्या करना है उसका बेटा? आपने कुछ भी नहीं करना, फिलहाल मुंह बंद रखें अपना. मैंने आपको क्या कहा बच्चे? आपको मैं कह रही हूँ कि जोकर को जैक बोला है मैंने यहाँ पर, ठीक है? उसका करना कुछ नहीं, बस आपने याद रखना है कि कौन कौन से कार्ड किस सूट में होते हैं. जी, बॉक्स में से दो एक्स्ट्रा कार्ड निकलते हैं, उसका पूछ रहे. जी, पोक गेम में होता है. पोक गेम का भी हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी कि 5 आपके पास कैसे होते हैं, कार्ड किस तरह सिलेक्ट करने होते हैं. फिलहाल ये आपने जो है ना 52 कार्ड की सूट को, 4 सूट्स को याद रखें कि हर सूट में आपके पास 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड एस से लेके 10 तक जाते हैं, और जिसमें 3 फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन, जैक. अब मुझे कौन आंसर करेगा टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में? 16 मैम. 12. 12 मैम. 13 मैम. मैम 13 होते हैं. 13 मैम. 13 चौकों में 13 होते हैं मैम. एक हो गया पान, हो गया एक, हो गया काला, एक हो गया चौकड़ी, एक हो गया वो. 13 होते हैं मैम. 12 होते हैं बच्चे. 12 होते हैं मैम. यानी आपके पास 4 सूट है. 52 कार्ड होते हैं मैम. 52 कार्ड होते हैं टोटल मैम. 13 हो गए तो 52 52 को ही कहते हैं ना, तो मैम 13 हो गए ना. 13 कैसे हो गए? हर सूट में आपके पास 3 फेस कार्ड हैं, तो 4 3 12. यस मैम. एक एक रंग का 13 पत्ता होते हैं ना, एक 13 दूसरा भी 13 होता है, फिर 26 26 बनते हैं. लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैम. वो बात तो है पर मतलब एक बात की जाने. वेरी गुड मैम. गैंबलर्स बैठे हुए हैं. हां जी, इसलिए मैं कह रही हूं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है आपको. अच्छा, आप लोगों को मैंने कार्ड्स के बारे में बता दिया कि डेक में 52 कार्ड्स होते हैं. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. 26 आपके पास रेड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. रेड में आपके पास 2 सूट्स होते हैं, डायमंड्स और हार्ट्स. हर सूट में 13 कार्ड्स हैं. इसी तरह ब्लैक में भी 2 सूट्स होते हैं, क्लब एंड स्पेड्स, और उसमें भी 13 तो कह रहे थे बच्चे. आपने 13 बोला है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके डेक में फेस कार्ड कितने होते हैं. यानी फेस कार्ड का मतलब होता है ऐसे कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है. किंग, क्वीन एंड जैक. बोलो बोलो चौकड़ी जैक ये वाला. मुझे नहीं आपके आप बड़े बड़े बोल रहे, मुझे ये नहीं आते. मैम किंग, क्वीन और जैक बड़े बड़े होते हैं. किंग, क्वीन जो होता है एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा. किंग, क्वीन, जैक, ये दोनों. क्वीन, जैक, इक्का. एस कार्ड फेस कार्ड नहीं होता. एस कार्ड फेस कार्ड नहीं होता, उसको हम लोग नंबर कार्ड होते हैं. मैम इंसाफ का तो बड़ा इका होता है ना मैम. होने दें, जो भी होता है, मैं फेस कार्ड की बात कर रही हूँ. यार जिनके ऊपर शक्ल आप लोगों ने गेम खेलना नहीं सीखनी, बस कार्ड्स की हायरार्की देखनी है कि क्या है, कितने कार्ड्स हैं, किस सूट में कितने नंबर के कार्ड होते हैं, बस दैट्स इट. मजीद एक्सटेंड ना करें इसको. ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवेंट का. इवेंट की डेफिनेशन बोल रही हूँ. एंड इवेंट इज वन अकरेंस ऑफ द एक्टिविटी हुज प्रोबेबिलिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड. यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बेसिकली उसको हम इवेंट कहते हैं.
अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच विन करेगा या लूज करेगा। अब पाकिस्तान जो है वो आपके पास इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट होगा। पाकिस्तान का मैच जिस पर्सन के साथ है, सॉरी जिस टीम के साथ है, वो दोनों मिला के आपकी टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैच आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ है, पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, आप मेजर करना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान गेम को विन करेगा या लूज करेगा। सो पाकिस्तान क्या हो गया जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड, वो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट फॉर एग्जाम्पल वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, हम लोग डाइस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एन इवेंट इज वन रोल ऑफ द डाई, इवेंट क्या होगा आपके डाई का वन रोल। ओके नेक्स्ट आपके पास क्या है, अ सिंपल इवेंट एंड अ कंपाउंड इवेंट, इनमें डिफरेंस क्या है। सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक आपके पास आउटकम होती है, कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स आपके पास आती है। ये आपके पास टाइप्स ऑफ इवेंट हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में सिंपल इवेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट होते हैं, श्योर इवेंट होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। अब मैं इन चारों को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपल इवेंट्स आपके पास क्या होते हैं, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ जो आउटकम है वो वन हो, ओनली सिंगल आउटकम हो। जब एक से ज्यादा आउटकम्स होंगी तो कंपाउंड इवेंट्स होंगे। श्योर इवेंट्स क्या होंगे, यानी आपको पता हो कि आप लोग कुछ ऐसा मेजरमेंट कर रहे हो जिसके बारे में आप श्योर हो, तो आपके पास आउटकम वही हो जो टोटल आउटकम्स हो, ठीक है, तो वो आपके पास श्योर इवेंट बन जाता है। जैसे कि इसके बारे में मुझे कोई एग्जांपल दे, श्योर इवेंट क्या होता है। मैम आप बता दें। मैम फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इतने ओवर्स में इतना स्कोर कर लेते हैं तो मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आ गई है ना, आंसर हो जिसका प्रोबेबिलिटी तो हम पढ़ी तो रहे हैं। मैम श्योर इवेंट, हेलो मैम, जैसा कि एक एग्जांपल ये ले लें कि अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसके पास उसका रिजल्ट मतलब अच्छा आएगा, उसको इस चीज की श्योरिटी तो होती है। ये भी कुछ लेवल ऑफ अनश्योरिटी है। जैसे हम साइंटिफिक फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पहले एग्जांपल दी है H2 plus O, तो हमें श्योर है कि रिजल्ट इज H2O। यस मैम श्योर इवेंट ये आपके पास गुड हो सकता है। अप्रैल अप्रैल के बाद मई ही आना है, ये श्योर इवेंट है। गुड, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में हम लोग श्योर होते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को श्योर इवेंट कहा जाता है और उसकी आउटकम्स टोटल आउटकम्स के इक्वल आ जाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के इक्वल आएगी। सो वो आपके पास श्योर इवेंट होते हैं। श्योर इवेंट के बारे में मजीद आप सर्च कर लेना और इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जिसका पॉसिबल होना मुमकिन ही नहीं होता, वो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट यानी के जीरो आउटकम जिसकी हो, वो आपके पास क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब मैम मैम अगर हम लोग श्योर इवेंट ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए टोटल आउटकम्स से, तो वन आंसर आएगा। तो हाँ जी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपके पास श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम्स के इक्वल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें आप लोग नेक्स्ट जाकर डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि श्योर इवेंट क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, जिसका अक्कर होना नामुमकिन हो, जिसका रिजल्ट जो है नंबर ऑफ इवेंट का जीरो के इक्वल हो, तो वो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कम्प्लीमेंट्री, एक इवेंट का अक्कर दूसरे इवेंट के बिल्कुल डिफरेंट हो, वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री आपने सेट्स में भी टर्म पढ़ी होगी, कम्प्लीमेंट यानी जब आप कम्प्लीमेंट्री, वो नहीं होता कि अगर ये होगा तो फिर ये चीज होगी, मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट डिपेंड कर रहा होता है। मैम इम्पॉसिबल का तो पता ही नहीं चला, मैम आप कम्प्लीमेंट्री पर चले गए। इम्पॉसिबल इवेंट जो के जिसका आपके नंबर ऑफ आउटकम्स है वो जीरो के इक्वल आ जाए, वो इम्पॉसिबल है। सिंपल तो हमें यही पता है कि इसका मैक्सिमम नंबर 6 है और ये 6 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, नहीं हो सकता, वो जीरो आ जाएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपके नेट का इशू है. मैम आप प्लीज कंपाउंड इवेंट दोबारा बता दें. ओके जी, कंपाउंड इवेंट्स. यस मैम. कंपाउंड इवेंट्स में एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे. सिंपल इवेंट में सिंगल आउटकम होती है आपके पास. कंपाउंड इवेंट की मैं एग्जांपल देती हूँ. आपने एक डाई रोल किया और आप चाहते हैं कि आप लोग जो ऑड नंबर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को निकालो. तो ऑड नंबर्स आपके पास क्या है, 1, 3 and 5. तो वो आपके पास एक से ज्यादा आउटकम आ गई, यानी 3 आउटकम्स आ गई, तो वो आपके पास कंपाउंड इवेंट है. ओके. देन कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, एक की अकरेंस दूसरे पे बिल्कुल भी यानी उसके अगेंस्ट होती है, रिवर्स होती है. कम्प्लीमेंट की टर्म आपने सेट में भी पढ़ी होगी, यानी जब आप लोग यूनिवर्सल सेट में से बाकी सेट को डिफरेंस निकाल लेते हो तो वो आपके पास कम्प्लीमेंट सेट बन जाता है. इसी तरह से जो आपकी टोटल आउटकम्स होंगी और जो बाकी आउटकम रेस्टिंग पार्ट होगा वो आपके पास बेसिकली कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है. इन तमाम इवेंट्स के आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी देती हूँ. नेक्स्ट, इक्वली लाइकली क्या होते हैं, यानी एक की अकरेंस बिल्कुल दूसरे की तरह अकरेंस होती है, यानी 50-50% चांसेस होते हैं, और उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट यानी टोटल आउटकम बन जाए, तो वो आपके पास इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं. इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैम ये रिपीट करते हैं, कौन सा इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली कह सकते हो कि 50-50% चांस हो, ठीक है, जैसे ऑड और इवन नंबर्स इन अ डाई, ठीक है. ऑड नंबर के भी 3 आउटकम्स हैं और इवन नंबर के भी 3 आउटकम्स हैं. जैसे कॉइन को टॉस करें तो हेड या टेल ही आएगा. जी जी, मैं आपको डाई की एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे कि इवन नंबर आपके पास 3 है, ऑड नंबर आपके पास 3 है, आपको पता है इन दोनों के आपके 50-50% चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी में, तो उन दोनों को अगर हम उनकी आउटकम्स को ऐड करते हैं तो टोटल आउटकम भी बन जाती है, जिसको हम एग्जॉस्टिव बोलते हैं. सो इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स जिसके 50-50% चांस हो आउटकम्स में आपके, यानी टोटल आउटकम का 50%. देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको बताती हूँ. आप लोग वेन डायग्राम देख रहे हो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, सॉरी ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे, एक इवेंट है आप लोगों के पास ए, दूसरा इवेंट है, एक इवेंट है आप लोगों के पास ए, दूसरा इवेंट है आप लोगों के पास बी, ठीक है. इन दोनों के कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, नो ओवरलैपिंग. दोनों शेप्स में देखें कोई भी आपके कॉमन पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे. कॉमन पॉइंट्स कहां पर है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, जिसको यहां पर ब्लू शेड से शो किया गया है, यानी ये ओवरलैप कर गया है. कुछ पॉइंट्स ए के और कुछ पॉइंट बी के आउटकम सेम होंगी. जो सेम आउटकम्स वाली होंगी वो आपके पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बिल्कुल आपके डिफरेंट होंगे. इसके लिए मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की एग्जांपल आपकी बुक से करवाती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है. नीचे आपको बताया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जहां पर आपने और की टर्म आइदर ए और बी, यानी या तो आप ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी या एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो वो आपके पास क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. मैं इसके लिए आपको बुक शेयर करती हूँ आप लोगों की. आपकी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की. फर्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की यहाँ पर कैप्शन में डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले वो मैं पढ़ देती हूँ. टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रीक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट. यानी एक की अकरेंस जो है दूसरी की अकरेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है, या एक की अकरेंस के जो आउटकम होते हैं दूसरी की अकरेंस के वो आउटकम बिल्कुल नहीं होते हैं. यानी सेम आउटकम बिल्कुल भी मैच नहीं करते, या आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन पॉइंट्स दोनों इवेंट्स में कोई भी नहीं होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल है आपकी बुक में, कंसीडर अगेन द KPMG अकाउंटिंग फर्म एग्जाम्पल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर टू ऑडिट्स आर. यहाँ पर आपकी आउटकम्स हैं जिसको इवेंट्स का नाम दिया गया है, इवेंट E1, E2, E3, सो ऑन E9 तक. और ऑडिट वन क्या है आपके पास, यानी उनके अराइवल टाइम को जो है वो बताया गया है कि ऑडिट वन जो है अर्ली और ऑडिट टू अर्ली है. देन इवेंट टू है अर्ली एंड सेकेंड वन ऑन टाइम है. थर्ड वन आपके पास अर्ली एंड लेट, सो ऑन. यहाँ पे चार्ट गिवन है. हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना. सपोज वी डिफाइन वन इवेंट एज कंसिस्टिंग ऑफ द आउटकम्स इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द टू ऑडिट्स इज लेट. एक इवेंट आप लोगों के पास E1 क्या है कि जो आउटकम्स आप लोगों ने क्या कंसीडर की, इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द टू ऑडिट्स लेट, यानी टू ऑडिट जो होंगे वो लेट होंगे. एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा. अब यहाँ पर आप लोग देखो E3 में ऑडिट टू लेट है, इसको अपने सैंपल स्पेस में लिख लो. देन आप लोगों के पास यहाँ पर E6 है, ये भी वन आउटकम इज लेट. E7 है, वन आउटकम इज लेट. E8 है, वन आउटकम इज लेट. E9 होगी, दोनों ही आउटकम्स आपके पास लेट है, ऑडिट वन भी ऑडिट टू भी. एट लीस्ट में आपके पास कौन कौन सी आउटकम्स आ गई, E3, E6, E7, E8 और E9. सेकेंड इवेंट एक और डिफाइन किया, उस इवेंट को कहा फर्दर. सपोज हमने सपोज किया, वी डिफाइन अ सेकेंड इवेंट एज फॉलोज, नाइदर ऑडिट इज लेट. कोई भी ऑडिट लेट नहीं होगा. तो कोई ऑडिट अगर लेट नहीं है उसमें कौन कौन सा आता है, आप लोग देखें चार्ट में. E1 अर्ली, E2 अर्ली एंड ऑन टाइम, और E4 ऑन टाइम एंड अर्ली, E5 ऑन टाइम एंड ऑन टाइम. सो यहाँ पर आपकी आउटकम्स होगी E1, E2, E4 एंड E5. अब आप लोग इन दो इवेंट्स की आउटकम्स को देखते हुए डिफाइन करें कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है. आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. यहाँ पर E3 है, E6 है, E7, E8 और E9 है. और जो आपके पास इवेंट E2 है उसमें E1 से लेके E5 तक है, कोई भी इन दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं है. जब दो इवेंट्स के आउटकम्स में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे. नीचे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ इवेंट E1 अकर्स E2 कैन नॉट अकर. यानी इवेंट E1 अकर करता है तो दूसरा इवेंट अकर नहीं कर सकता है, दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अकर नहीं करते. इफ इवेंट E2 अकर्स E1 cannot occur. That is, if at least one audit is late, then it is not possible for neither audit to be late. Next, आप लोगों के पास independent and dependent events. Independent और dependent events क्या होते हैं? यानी एक की occurrence effect कर जाए अगर दूसरे की occurrence पे, तो वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं. टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इम्पैक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट अकरिंग. यानी एक आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट करे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर, तो ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ भी कोई भी आवाज नहीं आ रही, कोई भी आवाज नहीं आ रही. बाकी सारी क्लास को भी वॉइस नहीं आ रही मेरी. नेक्स्ट आप लोगों का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स में करवा रही हूँ. इसके लिए ये एग्जांपल है, जरा इसको गौर से देखिएगा. Mobile Exploration is a subsidiary of Mobile Corporation and is responsible for the oil and natural gas exploration worldwide.
यानी वो कह रहे हैं कि मोबाइल से हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आपके पास सब्सिडरी है मोबाइल कॉरपोरेशन की, और इज रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन वर्ल्ड वाइड, यानी वो के ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने में हेल्प कर रही है. ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन फेज, उसको एक्सप्लोर करने के फेज में साइज्मिक सर्वेज आर कंडक्टेड. साइज्मिक सर्वे क्या होता है कि आप कह सकते हो अर्थक्वेक, सो जहाँ जो जलजिला होता है उसके बारे में सर्वे किया जा रहा है. दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ अंडरग्राउंड फॉर्मेशन, यानी अर्थ के अंडरग्राउंड जो फॉर्मेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यह सर्वे. बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री द कंपनी नोज दैट इफ द साइज्मिक रीडिंग्स आर फेवरेबल, अगर साइज्मिक रीडिंग आपकी फेवरेबल आती है, ऑयल और गैस विल मोर लाइकली बी डिस्कवर्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस जो है उसको डिस्कवर किया जा सकता है. Then if the seismic readings are not favorable, अगर वो readings आपकी favorable नहीं होंगी तो आप लोग oil और gas के जो हैं ज़राए हैं उनको explore नहीं कर सकते हो, discover नहीं कर सकते हो. However, the readings are not perfect indicators. Suppose the company currently is exploring in the eastern part of Australia. The possible outcomes for the seismic survey are defined as, आपके पास even क्या है, जो possible outcomes हैं, एक even आपके पास favorable है, E2 आपके पास unfavorable है. If the company decides to drill, the outcomes are defined as, अगर वो company drill करती है, यानी आप लोग कह सकते हो drill करना के जमीन के जो अंडरग्राउंड आपकी अर्थ की कंडीशन है उसको मेयर करने के लिए उसे ड्रिल किया, तो स्ट्राइक ऑयल और गैस, अगर फेवरेबल होगा तो स्ट्राइक होगा, ऑयल और गैस उसको मिल सकता है, तलाश हो सकती है. अगर अनफेवरेबल होगा तो ड्राई होल, यानी कोई मतलब कुआं वगैरह जो है वो अगर वो खोदते हैं तो उसमें ड्राई होगा, कुछ भी ऑयल या गैस के आपके जो जराए हैं वो फाइंड नहीं हो सकते हैं. सो यहाँ पर इवेंट्स को डिफाइन किया गया, इफ वी लेट द इवेंट, हम इवेंट इवन डिफाइन करते हैं, बी दैट द साइज्मिक सर्वे इज फेवरेबल, साइज्मिक सर्वे फेवरेबल होगा, एंड इवेंट ई टू, हम इवेंट ई टू डिसाइड करते हैं, बी दैट द होल इज ड्राई, के होल ड्राई है, वी कैन से दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, किस तरह से, बिकॉज वन इवेंट्स अकरेंस डज नॉट प्रीक्लूड द अदर इवेंट फ्रॉम अकरिंग, यानी एक इवेंट की जो अकरेंस है दूसरे इवेंट को जो है वो प्रीक्लूड नहीं कर रही है. प्रीक्लूड का मतलब एक की आउटकम दूसरे की आउटकम मैच कर सकती है. So we can also say that the two events are dependent. लेकिन ये दो events जो वो depend करते हैं E1 और E2 एक दूसरे पर, because the probability of the dry hole, एक dry hole की probability depend करती है on whether the seismic survey is favorable or unfavorable. यानी seismic survey में अगर आपके पास आपका favorable results आते हैं तो आप लोग कह सकते हो कि dry hole नहीं होगा, अगर unfavorable आते हैं तो dry hole होगा. सो इस E4 इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इस E1 आउटकम और E2 पे. सो जब आपकी आउटकम्स दूसरे पे डिपेंड करने लग जाएं तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स. यहाँ पर E4 की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये आपके पास डिपेंडेंट इवेंट होगा. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके जी, नेक्स्ट आप लोग एग्जांपल खुद कर लेना, ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4.4. नेक्स्ट आते हैं. मैम उसके लिए काफी नहीं है अभी, आप लोगों को मैं चाह रही थी एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन करवा दूं. मैम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी बहुत हो गया, अभी तो सिर्फ आपने इवेंट्स और सैंपल्स पेज पढ़े हैं. मैम करवा दें क्वेश्चन एक्सरसाइज. अच्छा आप लोग देखिए, यहाँ पर इवेंट ए है और एक आपके पास इवेंट भी है, ये भी आपके पास वेन डायग्राम है. वेन डायग्राम क्या होती है ये भी सुन लें, आप लोगों ने सेट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा. वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल शेप होती है जिसको हम होल आउटकम्स कहते हैं या यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. इस रेक्टेंगल शेप में ओवल्स बनाए जाते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको ओवल से शो किया जाता है. यानी ये रेक्टेंगल शेप आपके पास क्या होगी, आपकी सैंपल स्पेस, और इसमें जो ओवल्स होंगे वो आपके पास इवेंट्स होंगे. तो यहाँ पर आप लोगों के पास सना अपनी वीडियो ऑफ करें, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है इवेंट ए एक ओवल से शो किया गया है और इवेंट बी आपका दूसरे ओवल से शो किया गया है. इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी ये दोनों ओवल जो आपके सॉरी
दोनों ओवल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं तो ये आपके पास इवेंट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी दोनों के कॉमन पॉइंट्स को इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, और जहां पर कॉमन पॉइंट्स होंगे तो उनको हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। चलें जी, हम लोग इवेंट्स का जब यूनियन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर ए और बी दो इवेंट्स होंगे और उनके कॉमन पॉइंट्स भी होंगे तो हम लोग यूनियन कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? कि अगर हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लें तो वो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का? ए और बी का कॉमन पॉइंट, जिसे यहाँ पर ग्रीन एरिया से शो किया गया, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में चूंकि हम लोग कहते हैं कि दोनों इवेंट की दुनिया में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जीरो के इक्वल होगी। यहाँ पर आपको बताती हूँ जी कम्प्लीमेंट क्या होता है। कम्प्लीमेंट देखें, आपके पास एक इवेंट ए है, रेक्टेंगल आपको सैम्पल स्पेस शो कर रही है। इवेंट ए अगर हम उसमें से निकाल दें, जो रेस्टिंग पार्ट होगा बेसिकली, वो आपके पास क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री इवेंट। आप समझ आए कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? ओके जी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट को एक शेप से मैंने शो किया है। देखें, इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अनलाइकली इवेंट क्या होंगे, यानी बहुत कम चांसेस वाले इवेंट जो होते हैं, 1 in 6, तो वो आपके पास अनलाइकली इवेंट होता है। इवन चांस क्या होते हैं, ये इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, जिसमें 50-50% एरिया कवर होता है, वो आपके पास इवन चांस होता है। लाइकली इवेंट क्या होते हैं, मोस्ट फेवरेबल आउटकम, यानी आपकी टोटल आउटकम में से ज्यादा से ज्यादा आपके इवेंट की आउटकम्स हों, तो वो आपके पास लाइकली इवेंट्स होते हैं। सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, टोटल आउटकम के इक्वल अगर इवेंट की आपकी आउटकम्स आ जाए तो वो आपके पास सर्टेन इवेंट होते हैं। यहाँ पर एक और है आपके पास, परसेंटेज में बता दे, ये आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके पास एग्जाम्पल मैंने सॉल्व की थी। ओके जी, क्वेश्चन, आपके पास 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, इसकी सैंपल स्पेस आपने पहले निकाल ली, जिसमें आपके पास P इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 heads। P आपके पास एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 head आने चाहिए। Q इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, Q ऐसा इवेंट है जिसमें कोई हेड नहीं अकर करता। देन R इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन में आपके पास क्या है, हेड होना चाहिए। ये आपके पास R इवेंट है। Which of the pairs is mutually exclusive? अब मुझे बताएं, जितना पीछे आपको लेक्चर दिया है, ये एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर सकते हो? Yes, sir. मेरे ख्याल में इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैम आप भी करवा दें। ओके जी, चलें जी सॉल्यूशन पर आ जाएं। सैंपल स्पेस एन ऑफ एस से उसको शो करेंगे हम लोग, चूंकि आपके पास 3 trials हैं, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, तो आपके पास टोटल आउटकम्स 8 के इक्वल आ गई। अब क्या है, पी आपके पास इवेंट है, इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 heads, यानी एक या एक से ज्यादा हेड आपकी आउटकम में होने चाहिए, तो उसको एन ऑफ पी कहा। एन ऑफ पी में आपकी आउटकम्स कौन कौन सी आती हैं? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड हेड हेड, यानी एट लीस्ट आपके पास 2 heads थे, 2 या 2 से ज्यादा हेड हो सकते हैं। तो पहले वो वाली आउटकम्स लिखी जिनमें 2 heads थे, फिर वो वाली आउटकम लिखी जिसमें 2 से ज्यादा हेड थे, लास्ट पे आपके पास 3 head वाली आउटकम आ गई। सो आपके पास इवेंट पी की आउटकम हो गई 4। देन आपके पास नंबर ऑफ क्यू, यानी क्यू इवेंट के नंबर्स हैं, एन ऑफ क्यू से उसको हमेशा शो करते हैं। तो आप लोगों के पास Q इवेंट क्या था? Q इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड्स। Q ऐसा इवेंट है जिसमें कोई हेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा इवेंट आपकी आउटकम है जिसमें हेड नहीं है, तो 1 आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ Q, Q इवेंट के आउटकम। R इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन द सेकेंड कॉइन। R एक ऐसा इवेंट है जिसमें सेकेंड कॉइन में सिर्फ हेड होना चाहिए, तो हम लोगों ने सेकेंड कॉइन में जहां पर हेड थे वो वाली आउटकम्स लिखी। यहाँ पर भी आपकी सेकेंड कॉइन में हेड है, यहाँ पर भी आपकी सेकेंड कॉइन में हेड है, सो वो तमाम आउटकम्स लिखी जहां पर सिर्फ सेकेंड कॉइन में हेड्स थे। तो आपके पास आर इवेंट के नंबर्स क्या हो गए, 4।
अब इन तमाम इन तीनों इवेंट्स में हमने डिसाइड करना है विच ऑफ द पेयर्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इन तीनों इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स कौन से हैं? Who want to tell me? N, P और N R. P और R तो नहीं हो सकते. रीजन क्योंकि यहाँ पर कुछ आउटकम्स आपकी मैच कर रही हैं, जैसे कि फर्स्ट वन और थर्ड वन आर क्यू और पी. मेरे ख्याल में क्यू और पी आपके पास होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि दोनों में कोई भी आउटकम मैच नहीं कर रही. देन क्यू और आर में देखें, क्यू और आर में भी कोई आपकी जो है आउटकम मैच नहीं करी. सो पी एंड क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर. Q and R also are mutually exclusive pair. So आप लोगों का आंसर नीचे क्या है? Q and PR are mutually exclusive as they have nothing in their intersection. और मैम इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? जी. Please ask your question clearly. हेलो. यस, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है. अब आप लोग ऐसा करें, सिर्फ आपने सैंपल स्पेस बनाना सीखनी है. अभी सैंपल स्पेस बनाने के लिए आपकी बुक में आपको मैं शेयर करती हूँ और वहां से दिखाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है, बाकी हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाना नेक्स्ट में सीखेंगे. अभी आपको आपकी बुक से बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. ट्री डायग्राम की एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत अच्छी गिवन थी. ओके, बैक पेज पर है. ये देखें, आप लोगों ने सैंपल स्पेस के लिए एग्जांपल 4.2 प्रैक्टिस करनी है. नोट कर लें, जिससे आप लोग सैंपल स्पेस बनाना सीखोगे. फिर सैंपल स्पेस के लिए आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो लिख लें. एक्सरसाइज में आपकी क्वेश्चन मैंने रीड किए तो बहुत इजी है. 4.1 भी आपने प्रैक्टिस करना है, 4.2 भी. मैं आपको बता देती हूँ, 4.1 आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपके इवेंट्स की को बता रहा है कि किस टाइप के इवेंट्स हैं आपके. 4.2 क्वेश्चन भी आपके इवेंट्स को बता रहा है. 4.3 आपके सैंपल स्पेस का क्वेश्चन है, लिख लें. देन 4.4 भी आपके सैंपल स्पेस का क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस करें. ये थ्री क्वेश्चन और फोर क्वेश्चन ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है ट्री डायग्राम के साथ. ओके, अभी आप लोग फर्स्ट फोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आज का लेक्चर आपको समझ आया? बहुत अच्छा. ओके, ऐसा करें, सीआर आप इनके अटेंडेंस ले लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें कि चैट के आप लोगों ने लिए होंगे स्क्रीनशॉट. वैसे चैट के मुझे मिल जाएगी आप लोगों की सेव. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर. और अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. क्विज चेक हो गए? जी, ऑलमोस्ट चेक्ड. अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो चैट में सेंड कर सकता है, बाद में एंटर हुआ मीटिंग में तो.